उबर विक्रम भंडारी डॉट राजा, तो जिनके वहाँ से मैं ब्लॉग बना करके आपको कल भेजा था, वो एक वो जिसमें बहुत सारे केले हैं, तो केले के पेड़ हैं बहुत सारे, वो अंकल के यहीं पे इन्हीं अंकल ने के वहाँ पर हैं वो बगीचे में इनके। तो आज अंकल अपने बगीचे में देखते हैं कि इस तरह के बहुत प्यारे से यहाँ पर घर के सामने पे कामकाज कर रहे हैं और हल्की फुल्की कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि कटिंग से क्या होता है कि प्लांट, अंकल प्लांट क्या होते हैं इससे बढ़िया होते हैं? अच्छा, ड्रेसिंग होती है। तो प्लांट है, और अंकल जी इसकी कलम लगती है जैसे ये आप एक हैं, तो ये है, तो इसकी अंकल जी बता रहे हैं कि कलम भी लगती है इसकी। तो अंकल जी आपका पूरा नाम क्या है? अरे अंकल एक छोटी सी ब्लॉग यहाँ से बना देता हूँ ना मैं, उधर से कर दूंगा, तो ब्लॉग बनाते वो हो जाता है ना, इसलिए मैं एक यहाँ पर बनाता हूँ, मुझे कुछ ब्लॉग चाहिए होती है ना। फिर ये आप देख सकते हैं, आप इस तरह की वो कर रहे हैं और बढ़िया से हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बढ़िया से हो जाए और काफ़ी बढ़िया से बना रहे हैं, तो आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, और आप सभी भी इस तरह के बढ़िया से ब्लॉग्स बनाए, तो काफ़ी बढ़िया सा है। और पहाड़ी यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा से भी ले सकते हैं मेरे को, क्योंकि ये पहाड़ का जैसे एक पेड़ है जिसको बहुत अच्छा पेड़ बोलते हैं। अंकल इसका नाम क्या है? क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसको, तो बहुत सारे बहुत प्यारे से लग रहे हैं, क्रिसमस ट्री काफ़ी बढ़िया सा है। क्रिसमस ट्री है और काफ़ी बढ़िया सा है, और इस पर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया से इसके ये इसकी भी डंडियाँ लगती हैं क्या? अच्छा, क्रिसमस ट्री लगा रखा है इन्होंने बहुत बढ़िया सा है, तो क्रिसमस ट्री काफ़ी बढ़िया सा, जैसे मेरी एक ब्लॉग देखी होगी आपने, वही बोल घंटाघर के सामने की, वही बोल कुमार स्वीट शॉप के ब्लॉग थी मेरी, और कुमार स्वीट शॉप के सामने पे वो उस दिन क्रिसमस मना रहे थे, तो मैंने उसमें ब्लॉग में ऐसे बोला था कि धनौल्टी में जब बर्फ़ गिरेगी तो धनौल्टी में जो आप लोग यहाँ पर वही बोल बर्फ़ का बर्फ़ खेल रहे थे, बर्फ़ बर्फ रखी हुई थी, क्रिसमस डे मना रहे थे, तो मैंने कहा जो असली बर्फ़ होगी वो आप लोगों को वो बोल यूँ देखने को मिलेगा, वो दिसंबर के महीने में ही वहाँ मिल जाएगा धनौल्टी में। तो वैसे क्रिसमस डे का जो प्लांट था वैसे प्लांट ये होना चाहिए था, वहाँ पर प्लांट ही नहीं था, तो मेरे ख्याल से प्लांट ही नहीं था, तो प्लांट ये है उसका, है अंकल जी प्लांट ही है उसका, तो प्लांट ये है उसका। तो ये ब्लॉग मैं आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, और तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया से इस तरह के हैं, तो ठीक है अंकल जी मैं दो चार ब्लॉग बनाता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया से है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया से चलते हुए मैं चलता हूँ कि इस तरह से। अब आगे चलते हैं, अंकल के एक बगीचा है जो काफ़ी सुंदर सा बगीचा है, तो काफ़ी बढ़िया बगीचे में अब देखते हैं, यहाँ पर काकड़ी जमी हुई है, और काकड़ी जमी हुई तो अब काकड़ी में काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं, और फूल आ रखे हैं तो काफ़ी प्यारे से फूल हैं, और इन फूलों को काफ़ी बढ़िया से देखने में देखते हैं कि काकड़ी अब ज़्यादा बढ़िया ये लगता है कि खेत में जो ये गेहूँ के खेत हैं इसमें चलते हुए। तो ये एक वो बोल गेंदे का पौधा है जिसके काफ़ी बढ़िया बढ़िया से फूल लगे हुए हैं इस पर, और वो बोल कलम है काफ़ी बढ़िया सी, और छोटे अब बहुत बढ़िया सा बगीचे में जैसे मैं चल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया सा बगीचा है, और गेहूं के बीच में जब काकड़ी के लगुल या फैल जाएगा तो अब मैं देखता हूँ कि बगीचे के बीच में अंकल ने साइड में बो रखा है गेहूँ का
काकड़ी बोल के, मुझे काकड़ी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है उस समय गेंदे का फूल लग रहा है, जिस ब्लॉक के लिए काफ़ी दिलचस्प रूप से मैं आया हूँ, और ये गेंदे का फूल काफ़ी प्यारा सा है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंडी यूट्यूबर विक्रम भंडारी और गढ़वाली यूट्यूबर विक्रम भंडारी के मिक्स वीडियो है ये, वो ब्लॉग है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ, और इसमें आप सभी का योगदान तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आप सभी के योगदान एक तरह की है। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे लोग तो क्या, मैंने एक गैसिंग करा कि एक कैमरामैन होता है, एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर आप मान सकते हैं कि मैं जिस जगह पे आया हूँ, जिसने ये डायरेक्टर किया, तो मेरे ख्याल से गणेश भगवान ने डायरेक्ट करा हुआ है। तो गणेश भगवान ने डायरेक्ट करा हुआ है, तो मैं डायरेक्टर हैं इसमें गणेश भगवान, जानकी भंडारी। तो मैं इसमें कैमरामैन की भूमिका निभा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कॉमेडी की भूमिका निभाऊंगा, थोड़ा बहुत बोल डांस की भूमिका निभाऊंगा, और बाकी सेलिब्रिटी आप सभी हैं ही कि देखें, और जनता आप हैं ही, तो आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा चाहिए कि एक दिन मेरी ये ब्लॉग इतनी फेमस हो कि आप लोगों को जब पिक्चर हॉलों में बैठ करके पिक्चर देख रहे हो, तो आपको मेरी ब्लॉग्स की भी कुछ बातें याद आते रहें, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और पिक्चर देखते रहें, और बढ़िया से अपने कामकाज करते रहें। और मेरे इस फनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं, और भूल चूक से कोई गलतियां होते रह हुई हो जाती हैं, तो उसके लिए पहले से समय याचना मांगता हूं। और इस तरह के गेंदे के फूल हैं, और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में चलते हुए अब आगे चलते हैं, और गेंदे के फूल काफ़ी बढ़िया से है, और देख रहे हैं आप काफ़ी सुंदर से गेंदे के फूल लग रहे हैं। और ये अंकल जी का छोटा सा सगवाड़ा है, और इस तरह से सगवाड़े में जाते हुए अब देखते हैं गेहूं का खेत में पहुंच गया हूं। गेहूं के खेत का मतलब ये है कि बहुत सारी फसलें होती हैं, जिस तरह से मौसम होता है, मौसम के अनुसार इन्होंने इस समय गेहूं के खेत में देख सकते हैं आप किस तरह की प्यारी प्यारी फसलें बो रखी हैं, और क्या प्यारे प्यारे से चीज़ें लगा रखी हैं। और वहाँ देखिए नाशपाती बो रखी है, और नाशपाती काफ़ी प्यारी सी है, और मैं दिखाता हूँ आपको नाशपाती, बहुत अच्छी से नाशपाती का पेड़ है, बहुत सारी नाशपाती लगती है, और बहुत अच्छे से नाशपाती लगती है, तो बहुत अच्छे से नाशपाती का स्वाद होता है। और नाशपाती के बीच में यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, तोरी लगी हुई है, तोरी येरी सामने पे मैं दिखाता हूँ आपको, तोरी सामने पे ऐसे में दिखा लगी हुई है, और काफ़ी बढ़िया सी तोरी लगी हुई है, कल मैंने आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। और तो आप सभी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ, और आप देख सकते हैं, और एक तरह ये दिखा दे तो तोरी का आंटी जी ने, जो अंकल जी की वाइफ है, उन्होंने यहाँ पर बीज के लिए एक तोरी रखी हुई है, जो बीज होता है, ये बीज फिर आंटी जी बो देती होंगी यहाँ पर, तो फिर से उनके यहाँ पर से तोरी फिर से लग जाती है। तोरी कुछ बढ़िया से दिखाई नहीं मैंने कल, मैंने जल्दबाजी में, तो तोरी जो होती है ये तोरी थोड़ा सा ऐसे होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह की तोरी होती है, काफ़ी अच्छी सी तोरी है दिखने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, अब आगे ब्लॉग्स में चलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करें।